मधुबनी जिला के मैं रांटी चौक पे हूँ। अभी एक भाई से इंटरव्यू लूँगा, अभी वो रिक्शा चलाता है उससे पूछूँगा उसमें क्या चीज़ आपको मतलब मिलता है, क्या चीज़ प्रमोशन है, कितने माइलेज है, सब चीज़ पूछूँगा। तो चलो अभी पूछते हैं मैं। हाँ तो हेलो भाई, क्या नाम है आपका? MD अफजल। अफजल, हाँ तो ये रिक्शा में आपको कितने माइलेज मिलता है? 100 का। तो आप पूरे दिन में कितने कमा लेते हो? बस वही 500-600-700, कभी 800, कभी 1000 भी हो गया। बहुत सारे रिक्शा वाला तो बोलता है मैं 1-1000, 2-2000 कमा लेता हूँ। देखिए इसका कमाई का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि महीना का है कि बांधा हुआ है कि 1000 रोजे होगा। कभी 500 हो गया, कभी 400 हो गया, कभी 1000 हो गया, कभी 1200 भी हो गया। कभी हो सकता है नहीं चला तो 400-500 पे अटक जाता है। सही बात है। अच्छा, जैसे जितना चलाओगे उतना कमाओगे। उसमें लिखा भी है कि ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ। हाँ, ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ। तो 100 किलोमीटर का माइलेज है। अच्छा, इसका कीमत कितना पड़ा था आपको? इसका कीमत कैश में लीजिएगा 1,90,000 रुपये पड़ेगा। अच्छा, आप EMI पे कितना पड़ता है? EMI पे 2,20,000 रुपये पड़ेगा। 2,20,000 पड़ता है। अच्छा, आप बताइए इसमें फैसिलिटी क्या चीज़ क्या क्या है? बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड रिक्शा है ये। जब से रिक्शा निकला है आदमी को सुविधा मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात, अच्छा इसका पूरा गाड़ी देखाइए, अगर आपको कोई वहाँ मोबाइल नंबर दिया है उसके मोबाइल नंबर लीजिए, और कोई अगर बुक करेगा रांटी चौक पे तो उस नंबर पे फ़ोन करेगा। अच्छा, कोई बात नहीं है, जब भी फ़ोन करेगा तो इमरजेंसी सेवा है। अच्छा, हाँ चलिए, थैंक यू आपको समय देने के लिए। नंबर है? हाँ, नंबर भी है। चलिए।